हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मास्टर शेफ गुड़िया में। आज हम बनाने जा रहे हैं मटका मलाई कुल्फी, वो भी मलाईदार। गर्मी बढ़ रही है फ्रेंड्स और हम लोगों को ठंडी चीज़ें खाने का मन कर रहा है, तो चलिए आज बनाते हैं मटका मलाई कुल्फी एकदम ठेले वाली स्टाइल में। जैसे ठेले वाला बेचता है बाहर मटका मलाई कुल्फी, वैसे ही बनाएंगे। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, एक भी स्टेप मिस ना करिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो अगर एक भी स्टेप मिस हुआ तो आप मटका मलाई कुल्फी मेरी तरह नहीं बना पाएंगे। तो एकदम उसी तरह बनाएंगे और सीक्रेट भी बताऊंगी कि कैसे बनाना है, तो आप ज़रूर अंत तक देखिए। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। इसी तरह अगर आपको बनाना है तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए आगे का प्रोसेस बताते हैं। हमने कढ़ाई लिया, गैस पर रख दिया और गैस को कर दिया है ऑन। और 1 से 1.5 लीटर दूध हमने लिया है, कच्चा दूध लेना है फ्रेंड्स, पका दूध नहीं लेना है। पके दूध से अगर हम कुल्फी बनाएंगे तो वो अच्छे से जमती नहीं है, अच्छे से बनती नहीं है, तो आप कच्चा दूध लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर वाला। फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट दूध ना लीजिए, थोड़ी देर बाहर रखिए, उसके बाद इसको गैस पे डालिए, कढ़ाई में डालिए, गैस ऑन करिए, तब बनाइए। तो हमने दूध को डाल दिया और दूध पकने लगा है। ये देखिए धीरे धीरे दूध गाढ़ा हो रहा है। तो इसको पैतुला से बीच बीच में चलाते रहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप छोड़ सकते हैं इसको पकने के लिए ऐसे, लेकिन आप इसको अगर पूरा ध्यान देंगे तो कुल्फी बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। इसको बस चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में, धीरे धीरे इसको चलाते हुए पकाएंगे दूध को, गाढ़ा करेंगे। और इसके किनारे किनारे जो मलाई लग जा रही है उसको आप पैतुला से छुड़ाते रहिए ताकि कुल्फी बहुत टेस्टी बने, एकदम सोंधापन आए कुल्फी में। तो कुल्फी वैसे बहुत टेस्टी लगती है, घर में बनाइए, बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, खुद खाइए। इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है और घर में बनाएंगे तो आप अपने मनपसंद चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में बच्चों को खिला सकते हैं, क्योंकि बच्चे ड्राई फ्रूट्स उसे अक्सर वैसे खाते नहीं हैं। अगर आप कुल्फी में डाल देंगे तो बहुत आसानी से खा लेंगे बच्चे। एकदम मलाईदार बना रहे हैं कुल्फी, मटका मलाईदार कुल्फी, तो आप ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए फ्रेंड्स, ताकि कोई भी वीडियो हो आप तक पहुंच सके, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलेगा। कोई भी वीडियो अगर हम डालेंगे तो आप उसके थ्रू आप देख सकते हैं मेरी वीडियो को। देखिए गाढ़ा हो रहा दूध, इसको चलाते हुए पका रहे हैं। हमने बंद नहीं किया चलाना तो बहुत टेस्टी कुल्फी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम मटके वाली कुल्फी इतनी अच्छी बनेगी कि यकीन मानिए, अगर आप एक बार बनाएंगे मेरी तरह कुल्फी तो आप मेरे वीडियो को अक्सर आप देखेंगे कि मैंने क्या बनाया है। और जो भी मैं वीडियो डालती हूँ इतना अच्छा होता है, इतना यूनिक होता है, इतना लाजवाब होता है कि कोई भी अगर एक बार मेरा पूरा वीडियो देखेगा तो अंत तक देखेगा और जो है बनाएगा भी और खाएगा, तो यकीन मानिए इतनी तारीफ करेगा कि हाँ हमने कैसा बनाया था उसको बताया था। तो हमने 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दिया और हमने केसर लिया है तो केसर इसमें डाल दिए हैं। आप अगर केसर नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं, कोई नहीं है, इतना ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं रहती है केसर। तो हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया था, काजू, पिस्ता और बादाम, तो उसको क्रश कर लिया था, उसको इसमें डाल देंगे। ऐसे किनारे किनारे इसको छुड़ाते हुए बस अच्छे से पकाना है फ्रेंड्स। बस ध्यान देना है कि दूध नीचे से लगने ना पाए। तो उसके लिए हमने पहले वाली वीडियो में जो हमने मलाई कुल्फी बनाया उसमें बताया कि दूध आप अगर आप बॉयल कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं तो कैसे आप करिए कि वो जले ना। तो अगर आप
ये एक बहुत अच्छा सीक्रेट है, इसको ज़रूर यूज करना चाहिए। इसको अगर आप दूध नीचे पानी डाल के दूध डाल रहे हैं तो दूध जलेगा नहीं, और आप थोड़ी देर के लिए आप छोड़ भी सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखिए एकदम दूध गाढ़ा हो चुका है, कुल्फी बनने के लिए एकदम रेडी हो रहा है। तो थोड़ी देर इसको और चलाएंगे और पकाएंगे। देखिए कलर भी चेंज हो गया, आप देख सकते हैं जब हमने केसर डाला तो इसका कलर चेंज हो गया तुरंत। केसर से स्मेल बहुत अच्छी आती है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, और केसर तो आप जानते हैं सुंदरता भी बढ़ाता है, बहुत हेल्दी भी होता है, बहुत अच्छा होता है केसर। तो अगर आप आपके पास नहीं है तो आप थोड़ी सी इलायची ही, ग्रीन इलायची, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और उसके बाद उसको हाफ टी स्पून इसमें डाल दीजिए, केसर नहीं है तो, और केसर है तो केसर को भी ज़रूर डालिए। देखिए एकदम गाढ़ा हो चुका आप देख सकते हैं, तो कुल्फी बनने के लिए एकदम रेडी हो रहा है फ्रेंड्स। ऐसे ही आपको बनाना है ताकि कुल्फी और टेस्टी बने, एकदम मटके वाली कुल्फी, ठंडी ठंडी, खाने में मज़ा आ जाता है। तो आप स्पून से इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये देखिए चारों तरफ अच्छे से दिख रहा है कि ये दूध एकदम रेडी है कुल्फी बनने के लिए। तो हम बंद कर दिए हैं, बंद करने के बाद हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था गैस को, कढ़ाई को नीचे रख के। तो हमने देखिए जब नीचे छोड़ा था तो कैसे था, अब देखिए कैसे है, एकदम गाढ़ा हो गया है। ऐसे ही मटका मलाई कुल्फी के लिए चाहिए, तो इसको हम मटके में डाल देते हैं। अगर आपके पास मटका नहीं है तो आप ऐसे कप ले सकते हैं मिट्टी वाला। इसको थोड़ा सा ऊपर तक डाल देना है और उसके बाद फ्रिज में स्टोर कर देना है। ये देखिए हमने एकदम अच्छे से रख दिया है, अब इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऊपर डाल देंगे और कवर कर देंगे। तो हमने काजू, पिस्ता और बादाम लिया है क्रश करके, तो इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल देंगे। एकदम मटका मलाई कुल्फी बन रही है तो उसी तरह बने जैसे बाहर मिलती है, खा के मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स। यकीन मानिए इतनी टेस्टी बनी थी कि बार बार खाने का मन करता है। तो गर्मी में हमने कई बार बना लिया है, आप भी बनाइए और खाइए। तो इसको फाइल पेपर से कवर कर देंगे सारे को, इसमें रबर लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप ऐसे इसको कवर कर दीजिए। इसको अच्छे से कवर करके 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देना फ्रेंड्स। तो हमने 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था, अब इसको बाहर निकालिए, देखो एकदम बन के रेडी है। देखिए एकदम बन के रेडी है, बहुत ही अच्छी बनी है, आप देख सकते हैं एकदम बाहर जैसी मिलती है वैसे ही बन के एकदम रेडी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, हम आपको निकाल के थोड़ा सा दिखाएंगे कि कैसे बनी है। बहुत अच्छे से जमी हुई है, बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुई है, बहुत टेस्टी बनी है। तो ऐसे आप घर पे बनाइए, मेरी रेसिपी को पूरा अंत तक देखिए और घर पे बनाइए, बहुत यम्मी बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी मटका मलाई कुल्फी। देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।